टेस्ट नंबर वन केमिकल बॉन्डिंग, आंसर देखो अभी कैसा निकालना है। पेपर सबके हाथ में है, ये यहाँ पे है, देख लो। केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन सॉल्विंग कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, Be2+ इज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसका मतलब क्या आ गया, उनका कॉन्फिगरेशन क्या होना चाहिए, सेम। लेट्स सी द कॉन्फिगरेशन ऑफ द Be2+ Li+ Na+ Mg2+, सबका कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। ऐसा Be+ है, देखो Be2+, फर्स्ट बेरियम, बेरियम का एटम नंबर कितना है, 4। वन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Be2+ का क्या होगा, -2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जेड कितना होना चाहिए यहाँ पे, 2, राइट, बराबर ना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसके बाद क्या है, बेरियम। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम, 4 नंबर उसका है। Be2+ का मतलब कॉन्फिगरेशन -2 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट, ये कितना आ गया, 2। अभी इसमें ऑप्शन में किसका 2 है वो देखना है, राइट। H+ का क्या था, H का आटे नंबर कितना है, जेड है, जेड इक्वल 1। H+ का कितना हो गया, -1, कितना हो गया, 0। नेक्स्ट Li का देखो, Li+ है, जेड कितना इसका, 3 है, सॉरी Li का जेड कितना है, 3। Li+ का कितना होगा, Li+ का कितना हो गया, 2 हो रहा है। नेक्स्ट देखो Na का, Na एटॉमिक नंबर कितना है, जेड इक्वल टू व्हाट, 11। तो Na+ का कितना होगा, Na+ का जेड कितना होगा, 10 होगा। कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2 8 ना, बराबर। नेक्स्ट कौन सा, Mg है, Mg एटॉमिक नंबर जेड इक्वल कितना, 12 है, तो Mg2+ है, Mg2+ -2 इलेक्ट्रॉन, तो Mg का जेड कितना हो गया, जेड कितना हो गया यहाँ पे, 10 ना। यानी कि लिथियम के बेरियम के साथ कौन मैच कर रहा है, लिथियम, तो ऑप्शन क्या चाहिए यहाँ पे, लिथियम। फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, बी लिथियम। आया समझ में, सबको समझा, क्वेश्चन सिंपल है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक उनका कॉन्फिगरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, क्लियर सबको, कोई डाउट है इसके ऊपर क्वेश्चंस, कोई सोडियम का आ सकता है, मैग्नीशियम का आ सकता है, कॉपर का आ सकता है, जिंक का आ सकता है, या कोई कंपाउंड भी देख सकते हैं उसका। नेक्स्ट, AgCl इज अ कलरलेस वेर एज AgI इज येलो बिकॉज ऑफ, कौन बोलेगा आंसर इसमें, AgCl इज अ कलरलेस वेर एज AgI इज येलो बिकॉज ऑफ, क्या रीजन है, सिल्वर, AgCl Ag कौन है, कैटायन एनायन, Ag कौन है, कैटायन या एनायन, कैटायन है, Cl कौन है, एनायन, दोनों का Cl सेम है, तो कंपैरिजन किसका, दोनों का कैटायन सेम है, Ag सेम है, एनायन डिफरेंट है, Cl और यहाँ पे क्या आयन, एनायन का साइज जितना बड़ा उतना पोलराइजिंग पावर उसका क्या होता है, ज्यादा। ओके, कौन बोल रहा है, फजान बोल रहा है, कौन बोल रहा है, फजान रोल, राइट। टॉप टू बॉटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और क्या होता है, आयोडीन, सबसे लास्ट कौन सा, आयोडीन है, पहले फ्लोरीन है, AgF AgCl AgBr AgI, कलर क्या होता है, डार्क बन जाता है, क्या बनता है, डार्क, इज बिकॉज ऑफ, रीजन इसका क्या है, पोलराइजेशन। इसमें ऑप्शन क्या क्या देखो, Ag+ है 18 इलेक्ट्रॉन शेल टू स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज, Ag+ शोज द सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, डिस्टोरेशन ऑफ I- इज अ मोर प्रोनाउंस्ड देन Cl- आयन, या एग्जिस्टेंस ऑफ DD ट्रांजेक्शन,
विच वन आंसर इज राइट हियर. क्या होगा? डिस्टोरेशन ऑफ आई माइनस इज अ मोर देन द सीएल माइनस. सीडो इनर्ट गैसेस भी है, किसके लिए? कौन आगे आएगा? राइट बराबर ना, सी यू ए जी ए यू, तीन एलिमेंट्स कौन आगे आएगा? राइट ना. और कौन है? जिंक, कैडमियम, जिंक कैनडा होगा, होगी एच जी, उनके लिए क्या आता है? शीरो इनर्ट गैस कॉन्फ्लिकेशन. क्या आता है? शीरो इनर्ट, उनका यानी कि जिनके अंदर क्या होता है, कोवलेंट कैरेटर क्या होता है? ज्यादा. फर्जानसर ने क्या दिया है? कोवलेंट कैरेटर्स, किसके अंदर कोवलेंट कैरेटर ज्यादा है. तो किसने एक्सप्लेन किया है? फर्जानसर ने. राइट, कोवलेंट कैरेटर मतलब उसने ये नहीं बताया कि परसेंटेज कितना है, 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसा नहीं किया है. उसने क्या किया? कैटायन एनायन कंपेयर करके या कैटायन का चार्ज कंपेयर करके उन्होंने क्या किया, परसेंट या कोवलेंट कैरेटर कितना है वो बताया, बस ज्यादा है या कम है इतना बताया, बस परसेंटेज दिया नहीं है, वैल्यू दिया नहीं है. यानी कि कैटायन का साइज जितना बड़ा उतना कोवलेंट कैरेटर का कम रहेगा, और एनायन का साइज जितना बड़ा उतना कोवलेंट कैरेटर का वो ज्यादा होगा. कैटायन का जितना चार्ज ज्यादा उतना उसका कोवलेंट कैरेटर ज्यादा. कोवलेंट कैरेटर ज्यादा इसका मतलब आयनिक कैरेटर क्या हो गया? कम. और आयनिक और कोवलेंट में कौन स्ट्रॉन्गर है? आयनिक. एंड आयनिक कंपाउंड में कौन है? कोवलेंट कैरेक्टर है. ये क्वेश्चन प्रूव किया फर्जानसर ने. प्योरली आयनिक नहीं है, कोई वेनियशियल बॉन्ड हो तो प्योरली आयनिक नहीं है, उसके अंदर क्या है? आयनिक कैरेक्टर है. MgCl है उसके अंदर, MgCl2 है उसके अंदर भी क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है. This was explained by the Fuzans. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? Distillation of I minus is more pronounced than Cl minus. Next, identify the correct order of solubility in aqueous medium. सबसे क्लियर करो, aqueous medium में aqueous मतलब water, right? कौन dissolve ज्यादा होता है? Covalent या ionic? कौन ज्यादा होगा? आयनिक होगा. जिसके अंदर आयनिक कैरेटर ज्यादा है वो ज्यादा डिजोल्व होगा, जिसके अंदर कोवलेंट कैरेटर ज्यादा है वो क्या होगा? कम डिजोल्व होगा. राइट, वो अपने को यहाँ पे फाइंड करना है. मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करना है? फर्जानसर रूल ही अप्लाई करना है. ओके, तो आपके पास एग्जाम्पल कौन से? देखो, कॉपर है, CuS है, ZnS और Na2S, थ्री एग्जाम्पल्स बराबर ना. क्या क्या है यहाँ पे? CuS, ZnS और क्या, Na2S. सब में यस यस सेम दिख रहा है. ओके, मतलब यस कौन है? यस कौन है? कैटायन एनायन, एनायन सेम है. तो कंपैरिजन किसका होगा? इसमें कौन है? कॉपर, जिंक और क्या, सोडियम. यहां पे कॉपर का वैलेंस कितना है? कॉपर का वैलेंस कितना है? हाँ, सी यू टू प्लस ना. यहाँ पे क्या है? ZN भी क्या है? 2+ बराबर ना. और Na क्या है? Na क्या है? प्लस पे बैठा है बराबर ना. 2+ इसका मतलब इनके अंदर क्या कोवलेंट कैरेटर क्या ज्यादा है. ओके, यानी सबसे कम कोवलेंट कैरेटर किसके अंदर है? सोडियम. फर्स्ट कौन आना चाहिए? Na2S फर्स्ट, जिसमें Na2S को क्लिक करो. एक दो, ये नहीं है, ये नहीं है. ओके, अब बच्चे दोनों में कंपैरिजन, कॉपर और क्या, जिंक. कॉपर और जिंक पे उनका एटम नंबर चेक करो. कॉपर का कितना है? ट्वेंटी टू. Cu2 प्लस का कितना हो गया? 27. और यहां पे ZN का कितना है? कितना? 30 बराबर ना. और इसका कितना? ZN 2 प्लस का 28 होगा बराबर है. 27 और 28. Cu2 प्लस ZN 2 प्लस में उनका साइज चेक करना है. क्या करना है? साइज. Cu और क्या, ZN. किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज कम होगा?
ये भी टू प्लस है, ये भी टू प्लस, टू प्लस टू प्लस। पॉइजन रूल क्या बोल रहा है, जिसका कैटायन का साइज जितना बड़ा उतना कोवेलेंट कैरेटर क्या होगा, कम, जितना छोटा उतना कोवेलेंट कैरेटर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें किसका साइज बड़ा है, सीयू का ज्यादा है, मतलब इसका साइज इसका कोवेलेंट कैरेटर है सबसे ज्यादा है, मतलब सीयू लास्ट में आएगा, बीच में कौन आएगा, बीच में कौन आएगा, जिंक, समझा, मतलब ज्यादा कौन है, Na2S, एक्वेस सोलिडिटी पे चेक करना है, सोलिडिटी कहने के इसके अंदर आयनिक कैरेटर ज्यादा है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेटर ज्यादा है, सेकंड में ये है और थर्ड में ये, इसका मतलब आयनिक कैरेटर इसकी ज्यादा है, मतलब सोलिडिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा, समझे, जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेटर आयनिक कैरेटर ज्यादा है वो क्या होगा, मोर सोल्युबल, इसका मतलब जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेटर सबसे कम है, कोवेलेंट कैरेटर इसके अंदर सबसे कम है वो क्या होगा, ज्यादा सोल्युबल होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेटर इसके पास है, सीयू के पास है, उसके बाद जिंक, उसके बाद एनी, मतलब ऑर्डर उसका क्या होगा, पहले Na2S फिर ZnS फिर क्या आएगा, CS, समझा, पूरा लेक्चर दिया है तुम लोग को, देखा स्मैटिंग किया ना बराबर, फजान रूल का डिटेलिंग इसमें बहुत सारे एग्जांपल किए हैं, शीडो इनर गैसेस के ऊपर भी है, कैटायन के साइज के ऊपर है, एनायन के साइज के ऊपर भी है, चार्ज के ऊपर भी है, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, बाकी यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है बस आपको कैटायन का साइज के ऊपर, तो यहाँ पे साइज कंपेयर किया, सबसे एनए आ गया, उसके बाद जेडीएन, उसके बाद इसमें यस यस सबका क्या सेम दिख रहा है, तो कंपैरिजन किसका किया, सीयू जेडीएन आ गया एनए, इसका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज प्लस टू प्लस टू, जितना चार्ज ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेटर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए दोनों को बाद में रख दिया, इसके पास कोवेलेंट कैरेटर सबसे कम है, मतलब आयनिक क्या ज्यादा है, क्या है, आयनिक कैरेटर ज्यादा है, इसलिए सबसे नंबर वन पे ये आ गया, अभी दोनों में कंपेयर किया तो दोनों में सेकंड नंबर पे कौन आ गया, लास्ट में कौन आ गया, सीएस, आया समझ में, दिमाग में ये रखो कि जितना कोवेलेंट का कैरेटर कम उतना सोलिडिटी ज्यादा, इसके पास कोवेलेंट कैरेटर सबसे कम है, आयनिक ज्यादा है, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेटर क्या है, कम है, सबके सब आयनिक बॉन्डिंग है लेकिन उसके अंदर क्या है, कोवेलेंट कैरेटर है, समझ में आया सबको, Na2S, ZnS, फिर क्या आएगा, CS, क्लियर है सबको, कुछ डाउट है यहाँ पे बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, नेक्स्ट लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलार मॉलिक्यूल, पोलार, इसमें पोलार कौन है, अंडर लाइट फैन बंद करना, लाइट चालू दिख रहा है, लाइट चालू है ना, बोलो, पोलार मॉलिक्यूल, पोलार मतलब डायपोल चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो सबके स्ट्रक्चर जो है रफली स्ट्रक्चर दो करते हैं, इसका बी एफ थ्री, बी एफ थ्री, तीन क्लोरीन है, यस एफ 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 सब में क्लोरीन अटैच है, ऐसा है जो प्योर स्ट्रक्चर, लिविस का स्ट्रक्चर अलग आएगा, एक्सी एफ 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 एफ, अपोजिट दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है, जीरो हो गया, यहाँ पे अपोजिट अपोजिट, अभी क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे अपोजिट अपोजिट, ठीक है, क्योंकि एफ नेगेटिव ज्यादा है तो ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे देखो इसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है तो क्या हो गया, बी एफ थ्री, ओके, समझा, बहुत ही सिंपल था, इसमें बाकी कोई चेक करने की डायपोल चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी बिहेव एज अ लेविस बेस, लेविस बेस, लीस्ट, लीस्ट लेविस बेस, इसका मतलब जिसके पास लोन पेयर सबसे कम है वो सबसे लीस्ट, जिसके पास लोन पेयर सबसे कम है वो क्या हो गया, लेविस
लीस्ट लेविस बेस। लेविस थ्री क्या बोल रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, राइट। देखो यहां पे NH3, NH3 का स्ट्रक्चर देखेंगे, NH3 स्ट्रक्चर सबको आता है, राइट, आता है ना, क्या निकाल भी सकते हो, कैसा लेविस स्ट्रक्चर फॉर्मूले क्या है, पहले क्या निकालना है, क्यू निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर निकालना है, बॉन्ड के पेयर के बाद लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर किस काम के आते हैं, लोन पेयर और क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए, बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, राइट। यानी कि क्यू इसका कितना आ रहा है, एक एग्जांपल देते हैं, बाकी सब आपको फटाफट देंगे। NaC सेंट्रम एटम कौन है यहाँ पे, यन। क्यू, क्यू कितना आएगा यहाँ पे बोलो, क्यू का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एन के लिए कितना है, फाइव, फाइव प्लस थ्री, हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, थ्री, एट हो गया, एन एन और एच के बीच में बॉन्ड बना दिए, कितने हो गए, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सिक्स, माइनस कितने हो गए, सिक्स, सॉरी, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, सिक्स, लोन पेयर मतलब एट माइनस सिक्स कितना हो गया, टू। अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे, एन एच एच डॉक है यहाँ पे, एच और ये एच हाइड्रोजन, ये जो टू इलेक्ट्रॉन है किसके लिए काम आएंगे, आपको पहले क्या करना है, उसका डुप्लीट या ऑक्टेट चेक करना है, इसका डुप्लीट तो कंप्लीट है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, राइट, मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा, इसका डुप्लीट पूरा, इसका डुप्लीट पूरा, इसका डुप्लीट पूरा, लेकिन इसका नहीं, कितना हो गया, देखो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, किसको जाएंगे वो, राइट, NH3 के पास, बराबर। नेक्स्ट बी ए थ्री ओ एच और एच टू चेक करो, बी ए थ्री स्ट्रक्चर के साथ बने, बी ए थ्री बोरॉन कितना है, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन, पांच नंबर हो गया, पांच नंबर मतलब थ्री हो गया, थ्री प्लस थ्री कितना हो गया, सिक्स, टोटल कितने हो गए, सिक्स, बॉन्ड में कितने हैं, तो क्या हो गया, जीरो आ गया, लोन पेयर यहाँ पे नहीं है ना, लोन पेयर नहीं है, बराबर, यहाँ पे OH माइनस, OH माइनस ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के सिक्स, हाइड्रोजन का वन, सेवन, और ये निगेटिव चार्ज है मतलब प्लस वन, कितना हो गया, एट, एट का हाफ कितना, सॉरी, एट, एट में से बॉन्ड कितने हो गए, बॉन्ड कितना है, वन, वन बॉन्ड मतलब इसके पास कितना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बचेंगे, राइट, एच टू में कितने होते, टू, ऑक्सीजन के पास कितने, दो है ना, एच टू के स्ट्रक्चर में, यानी NH3 के पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास भी है, तो आंसर क्या होगा, ये क्या ना चाहिए, इसके पास लोन पेयर नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये लेविस बेस, समझा, आया समझ में, किसके ऊपर डिपेंड है, पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर, इन केस ऑफ अल्कली मेटल द कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन द ऑर्डर्स, वापस आ गया फजान के ऊपर, किसके ऊपर, फजान के ऊपर, देखो क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ अल्कली मेटल, ये यहां पे यम यम दिख रहा है, वो क्या है, एक अल्कली मेटल है, द कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन द ऑर्डर, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन ऑर्डर, कोवलेंट फजान रूल्स जहां पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे यम 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 कैटाइन तो सेम है, बात करेंगे किसकी, एनायन की, एनायन यहाँ पे फ्लोरीन और कौन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तीनों ही है, आयोडीन भी है, ओके, आयोडीन सबसे छोटा साइज, उससे बड़ा, उससे और बड़ा, उससे और बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, जितना साइज बड़ा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, आई वाले का, फिर बी आर, फिर सी एल, फिर आर, देखो है क्या, है आई सबसे पहले, बी आर सेकंड, सी एल, फिर लास्ट कौन सा आएगा, सॉरी, तो ऑप्शन क्या होगा, समझा, आएगा समझ में, क्योंकि यहाँ पे यम दी, यम मतलब कौन ही है,
अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली मेटल हो या अल्कली अर्थ मेटल दिया होगा तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेम है ना सब। यहाँ पे डिपेंड होता तो वहां पे भी उसमें कंपेरिजन होता था। यहाँ पे क्या बोला, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कौन से आते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले सोडियम हो या पोटेशियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है। ओके क्लियर। ड्रॉ द लेवी स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आयंस। क्या लगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सबका, एक एक का स्ट्रक्चर कौन ड्रॉ करेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर PS3 क्या ना, इलेवन लोगों को आना चाहिए सबको। कितने एग्जांपल लिए, उसके बाद क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर सब पी एच 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 ऐसा हो गया ना, कितने बॉन्ड पेयर है, थ्री, मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। उसके बाद क्या निकालना है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू कितना है, 8 8 माइनस 6 2। अब स्ट्रक्चर को पूरा करो, जैसा कि ये फॉस्फरस है, पी सेंटर पे आ गया, एच एच एच, यहाँ पे अपनी ज्योमेट्री नहीं लिखना है, अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके तो हाइड्रोजन सबका डुप्लीट है, यहाँ पे जो टू है, टू किसके लिए है, एक तो लोन पेयर के लिए काम आएंगे, लोन पेयर के बाद किसके लिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो हाइड्रोजन का देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है राइट, हाइड्रोजन का सबका क्या होगा, डुप्लीट कंप्लीट हो गया, डुप्लीट कंप्लीट है, डुप्लीट कंप्लीट है, डुप्लीट कंप्लीट है। ओके इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, टू है। अभी सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम मैक्सिमम वैलेंसी ट्राई करेगा, ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है, साथ में क्या करना है उसको, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो भी चलेगा, 8 से 10 होता है, 12 होता है तो भी चलता है, किसके लिए, सेंट्रल, कौन बोल रहा है, लेविस। अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू है। यहाँ पे बॉन्डेन में बॉन्ड फॉस्फोरस से बॉन्डिंग की, थ्री हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट के लिए, और इसका दो चाहिए, आपके पास कितना है, दो ही है, तो यहाँ पे किसको, ये जो दो इलेक्ट्रॉन किसको दिया, फॉस्फोरस, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड करने की जरूरत भी नहीं है, डबल बॉन्ड करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी नहीं है राइट। मतलब पहले लोन पेयर के लिए दिया, लोन पेयर से उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, और उसकी वैलेंसी कितनी है, फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, 5 है, 3 बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर कितने हो गए, 5 हो गया, मतलब फॉस्फोरस पूरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ये पूरा क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया राइट। समझ में आया, ऐसा स्ट्रक्चर। फिर ऐसा है Cl4, देखो नेक्स्ट कौन है, SiCl4 सिलिकॉन, कितना हो गया, 4 ना, सिलिकॉन के 4 और ये क्लोरीन के कितने हो गए, 7 + 28 28 + 4 कितना हो गया, 32। अभी 32 माइनस कितना करोगे, बॉन्ड कितने हो गए, 4, मतलब 8 कितना हो गया, 26 कितना हो गया, 26 स्ट्रक्चर। अभी इसका 26 ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, लोन पेयर, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर के इज इक्वल टू 26 क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अभी स्ट्रक्चर देखो, सिलिकॉन ऐसा है, 1 2 3 4 Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, Cl का ऑक्टेट पूरा है नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 है, और कितने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6 अभी जी इलेक्ट्रॉन कितने, 26 ना आपके पास, सॉरी 24 कितना है, 24, यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे भी 6 चाहिए राइट, यहाँ पे भी 6 चाहिए, हो गया पूरे 24। अब देखो सिलिकॉन वैलेंसी कितना है इसका, 4 है, बॉन्ड भी कितने बनाए, 4, मतलब सेंट्रल एटम क्या सेटिस्फाई है, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 2 2 8 है इसके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, बाकी कॉर्नर के आइटम उनका भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, ये इसका क्या हो गया, लेविस स्ट्रक्चर। समझा,
वैसा H2SO4 SOCl2 H2SO4 देखो अभी H2SO4 H2SO4 में सेंटर एटम कौन है यहाँ पे यस सबसे कम नंबर है वो कौन यस है इसमें 4 है इसमें 2 है और हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम होता नहीं है यस हो गया यस इज अ सेंट्रल एटम राइट अभी वो कितने आपके पास 4 है 1 2 3 4 दिया उसके साथ यहाँ पे कौन आएगा ओ ओ ओ ओ और ओ हाइड्रोजन कितने हैं 2 तो हाइड्रोजन किसके साथ देंगे ये और एक चार होते तो यहाँ पे भी यहाँ पे लेकिन दो ही आपके पास साइड में दिया अभी यहाँ पे क्या निकालो लोन पे इलेक्ट्रॉन निकालना है टोटल लोन पे इलेक्ट्रॉन H2SO4 में देखो यस के कितने हो गया 6 ऑक्सीजन के कितने होते 6 6 4 30 30 प्लस 2 कितना हो गया 32 समझ रहे ना सल्फर के कितने हो गए 6 ईच ऑक्सीजन के 6 मतलब कितने ऑक्सीजन 4 है टोटल कितने हो गए 5 5 6 30 हो गया हाइड्रोजन के 2 कितना हो गया 32 32 माइनस बॉन्ड कितने देखो 4 5 6 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन माइनस 12 कितना हो गया 20 बचा 20 पहले कॉर्नर एटम को इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन डुप्लीट कंप्लीट है ये हाइड्रोजन डुप्लीट कंप्लीट है ऑक्सीजन का देखो 2 है और कितना चाहिए यहाँ पे 2 हो गए ना और कितना चाहिए 6 चाहिए 6 और कितना चाहिए 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3 4 चाहिए यहाँ पे क्योंकि ये 2 और 2 4 और 4 8 हो गया यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 चाहिए यहाँ पे कितना चाहिए 4 चाहिए हो गया इलेक्ट्रॉन देखो 6 6 12 + 8 कितना हो गया 20 खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास उतने सब के सब दे दिए अभी सेंटर आइटम देखो यस है सेंटर आइटम कौन है यहाँ पे एक्स सॉरी यस यस का मैक्सिमम वैलेंस कितना है 6 तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं मतलब वैलेंसी पूरा मैक्सिमम वैलेंसी पूरा सेंटर एटम ट्राई टू कंप्लीट द मैक्सिमम वैलेंस इसका 2 भी है 4 भी है और क्या 6 पे लेकिन मैक्सिमम कौन सी है 6 है तो ट्राई करेगा वो 6 बॉन्ड कंप्लीट करना जैसा यहां पे फास्फोरस ने कितना किया 1 2 3 4 5 5 लोन पेयर मतलब कितना हो गया 2 तो यहां पे कितना हो रहा है 4 ही हो रहा है मैक्सिमम वैलेंस उसको करने के लिए चांसेस है कैसे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड हो गया उसके साथ ये भी है यहाँ पे डोनेट किया डबल बॉन्ड हो गया इलेक्ट्रॉन इसके गए अब इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया इसका ऑक्टेट पूरा हो गया इसका ऑक्टेट इसका सबका ऑक्टेट पूरा हो गया और सल्फर की वैलेंसी जो 6 है वो भी पूरी होगी देखो 2 2 4 5 6 हो रहा है भले इलेक्ट्रॉन 12 हो गए 1 2 3 6 12 तो सेंटर एटम के लिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो भी चलता है ओके दिस इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 किसका आ गया समझा सबको नोट डाउन करना है फटाफट कर लो चलेगा इसको स्ट्रक्चर 12th स्टैंडर्ड को जरूरी है चलो नेक्स्ट सेशन करते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड बाय आप लोग बोलेंगे अभी इसका आंसर करेक्ट पेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ए बी सी डी बोलो कोई ए बोलो कोई बी बोलो कोई सी बोलो कोई डी बोलो हा? इसमें से एक तो राइट आएगा राइट इसमें करेक्ट आंसर कौन बोलेगा करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे एग्जैक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट यहाँ पे 100% यही है यही होना चाहिए ऐसा कौन बोल रहा है यहाँ पे किसी का 100% नहीं मतलब 100 रुपीज की कैलिबर नहीं जाएगी मेरी क्या इसमें अभी कंफ्यूजन क्या बात है यहाँ पे सीएल सीएल तो सेम दिख रहा है सब में बस एनायन सेम है तो कैटायन के कंपेयर करो फजानुल क्या बोल रहा है जिसका साइज छोटा उसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे सबसे बराबर यहाँ पे LiCl NaRP NaCl Li का B और B LiR का Na यानी कि आपके पास 3 है
कौन है? लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम और कौन? सोडियम ना, लिथियम, बेरिलियम और कौन है? सोडियम। लिथियम बेरियम दोनों सेम पेड के हैं, सॉरी लिथियम और बेरिलियम सेम पेड के हैं। लिथियम का आटा नंबर कितना है? कितना है? थ्री। इसका जेड थ्री है, इसका कितना है? फोर। जेड इज इक्वल टू फोर, इसका जेड कितना है? इलेवन। तो एल आई मतलब यहाँ पे एल आई प्लस है क्योंकि सी एल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। बी मतलब यहाँ पे क्या है? बी प्लस है या टू प्लस है? बी क्या है? टू प्लस। क्या है? टू प्लस। और एन ए क्या है? प्लस। अभी ये कंपैरिजन तीनों में होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, साइज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन। यहां पे लिथियम बेरिलियम और एनए प्लस तीनों में देखो कंपेयर करो, लिथियम बेरिलियम सोडियम, इसके सेल कितने हैं? टू। इसके टू है, इसके कितने हैं? थ्री सेल। ये सबसे साइज क्या होगा इसका? बड़ा रहेगा, बराबर। यानी ए प्लस मतलब दो दो ही सेल बनेंगे इसके, बी टू प्लस मतलब एक ही सेल बनेगा, इसका भी एक ही सेल बनेगा। लेकिन लिथियम बेरियम में इफ यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो साइज क्या होता है? कम कम होता है। पहले कौन है? बेरिलियम, लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, तो दोनों में साइज किसका बड़ा है? लिथियम का साइज क्या हो गया? बड़ा। इससे क्या हो गया? छोटा, बराबर। और उससे बड़ा कौन है? सोडियम। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका साइज बड़ा, जिसका साइज छोटा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। मतलब बीई एल आई और एन, बीई एल आई और क्या आ गया? एन ई। सबसे साइज में छोटा कौन है? बेरियम है, बराबर। तो बेरियम का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो बी वाला एग्जाम्पल पहले, फिर आएगा कौन? एल आई, और लास्ट में कौन आएगा? एन ई। ओके, ऑप्शन कौन सा है? बी सबसे ज्यादा, एरो देखो, बी सबसे ज्यादा है, फिर एल आई, फिर एन ई। ऑप्शन सी। आया समझ में सबको? सबको क्लियर हो रहा है? आया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? विच ऑफ फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। इसके पहले क्वेश्चन में चेंज करके, क्या था क्वेश्चन? स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ आई एफ सेवन, इसका स्ट्रक्चर लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ आई एफ सेवन, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ आई एफ सेवन? ये आई एफ सेवन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर निकालने के लिए, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, सॉरी हाँ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एक क्वेश्चन में वहां पे रॉन्ग रहेगा। क्या है एक्चुअली यो सबके सब क्या है? ज्योमेट्री है, बराबर। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के निकालने के लिए आई एफ सेवन, जहां पे आयोडीन और क्लोरीन है, क्या निकालना है? सबसे पहले आपको क्या निकालना रहेगा? क्या निकालना है? जेड निकालना है। क्या निकालना है? जेड। जेड मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर,
जेड क्या बता रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं, फॉर्मूला क्या है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हूज सेंट्रल एटम, राइट, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव प्लस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस मोनोवैलेंट एटम, प्लस क्या होगा, मोनोवैलेंट एटम, राइट, बराबर। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो इसको हटा दो। नेगेटिव ऐड क्यों करने का, नेगेटिव ऐड क्यों करने का, क्योंकि वो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में आता है, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज का बात है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसलिए माइनस करने का, और प्लस क्या हो गया, मोनोवैलेंट एटम कौन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या हाइड्रोजन, जिनका वैलेंसी कितना आता है, वन, ऐसे। तो यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, इसमें सेंट्रल कौन है, आयोडीन, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सेवन, क्योंकि हाइड्रोजन फैमिली वाला है, फ्लोरीन फ्लोरीन सेवन है, बराबर, मोनो एटम है ना, प्लस क्या हो गए, सेवन, सेवन प्लस सेवन फोर्टीन, हाफ सेवन, सेवन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3d3, 3 3 6 एंड 7, उसके लिए ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बायप्रिज्म, ओके, वेस्पर 3 नहीं आएगा बोला, वेस्पर 3 और VBT3 नहीं आएगा, हाँ उसके रिलेटेड, लेकिन तो जेड तुम लोग पहले पढ़ा है ना, मैंने उसको पहले, अच्छा ये क्वेश्चन तो कोई भी करेगा, जेड वैल्यू निकालना है तो तुम लोग बिना पढ़े भी कर सकते हो, इतना बिना पढ़े में तुम लोग को जेड निकालना तो सीखा है ना, तो जेड के ऊपर तो हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री है, देखो नेक्स्ट है, ऑक्टेट टूल इज नॉट ओबेड इन, ऑक्टेट टूल इज नॉट ओबे इन, ऑक्टेट टूल क्या बोल रहे हैं, CO BCl3 PCl सबके क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए, CO2 CO2 में 6 और ऑक्सीजन कंप्लीट कर रहा है, हो रहा है, यहाँ BCl3 देखो, BCl3 में बोरॉन और 3 क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन कंप्लीट कर, लेकिन बोरॉन क्या हो रहा है, इंक कंप्लीट हो रहा है, PCl5 में 5-5 क्लोरीन है, क्लोरीन अपना अपना कंप्लीट कर, लेकिन फॉस्फरस के कितने हो रहे हैं, 5 to 10 हो रहे हैं, मतलब एक्सपांड हो रहा है, ये एक्सपांड का एग्जाम्पल है, इसका है इंक कंप्लीट का है, मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा, बी, ओके समझा, क्या होना चाहिए, डी, नेक्स्ट है PO4 3- ion, ये इंपॉर्टेंट, देखो द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम, PO4 में P सेंटर आइटम हो गया, ऑक्सीजन कितने आपके पास, 4 ऑक्सीजन लगा दो, 4 ऑक्सीजन, ओ ओ ओ दिया, प्लस चार्ज होगा तो सेंटर आइटम, माइनस चार्ज होगा तो कॉर्नर आइटम, पॉजिटिव चार्ज कहां पे आता है, सेंटर आइटम पे, नेगेटिव चार्ज कहां पे आता है, लेकिन कॉर्नर में कितने बैठे हैं, चार चार बैठे हैं, कितने हैं, चार, लेकिन आपके पास चार्ज कितना है, 3 है, सबको इक्वल तो बांट नहीं सकते, राइट, तो उसके लिए क्या दिया है, फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला दिया है, राइट, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दो, स्ट्रक्चर के लिए देखो PO4 का स्ट्रक्चर होगा, पी फॉस्फरस कितने हो गए, 5 हो गए, क्यों निकालना है पहले, 5, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6 + 24 प्लस, बराबर ना, अब प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है, 3, 8 + 24 कितना हो गया, 32, टोटल आपके पास यहाँ पे हो गया 32, इसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितना हो गया, -8 मतलब कितना बचा, 24, कितना आ गया, 24,
24 को पहले आपको यूज किसके लिए करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 आ गए, राइट, यहाँ पे भी 6 बराबर ना, और ये 6 हो गया। अभी फास्फोरस, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस क्या है, पेंटावेलेंट है ना, तो उसकी वैलेंसी पूरी है क्या, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक को उठा के बॉन्ड में डालना पड़ेगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है, तो किसी का भी उठाओ, एक उठा दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर किसका लेंगे बोलो, यहाँ का ले सकते हो, बॉन्ड में डाल दिया, हो गया पेंटावेलेंट, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो फास्फोरस है इसके स्ट्रक्चर, यहाँ पे बॉन्ड आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने होते हैं, कितने आते हैं, 5 5 4 हाइब्रिड, 5 हो गए, 5 स्ट्रक्चर हो रहे इसके बराबर। देखो ये है रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और बॉन्ड कितने हैं इसके, 4 बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 4 बॉन्ड इज इक्वल टू 4 बॉन्ड इज इक्वल टू 4 हो गया। आपको क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज, सबका फॉर्मल चार्ज निकालो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 है, राइट, और चार्ज कितना है, 3 चार्ज है, और वो 4 में बांटना है आपको, राइट, कितना चार्ज है, 3 बांटना है कितने, 4 में, आंसर कितना रहा है, -3 आंसर कितना रहा, देखो 4 7 4 7 28 4 5 20 -0.75 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे आपका ये आंसर क्या हो गया, कट, ओके, डी आंसर आएगा नहीं। अब निकालना आपको क्या, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय रेजोनेंस, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय उसके रेजोनेंस, कितना आ रहा है, कितने हो गए, देखो अब सॉरी यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया, रेजोनेंस के चार ही आ रहे ना, रेजोनेंस उसके चार ही, देखो फर्स्ट रेजोनेंस यहाँ पे होगा, सेकंड रेजोनेंस यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे, नंबर ऑफ रेजोनेंस कितने हैं यहाँ पे, 4, और बॉन्ड 5, देखो बॉन्ड दिख रहे ना, 5 देखो, एक हटा दो ना यहाँ पे, कितने हो गए बॉन्ड, 2 3 4 और 5 हो रहे, कौन सा भी स्ट्रक्चर देखो वहाँ पे कितने बॉन्ड है, 5, फॉर्मूला सही था, एक यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिखा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 5, डिवाइड बाय रेजोनेंस कितने हो गए, 4, आंसर कितना आएगा, देखो 4 1 4 4 2 8 4 5 20 कितना रहा है, 1.25, तो 1 2 3 में 1.25 यहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा, सी। प्रणय राहुल हो गया, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NO3 माइनस आयन, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम आर, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना है, पेयर एंड बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना, आपको जेड निकालना है, क्या जेड, जेड का फॉर्मूला आपको दिया अभी, कंपाउंड कौन सा है, NO3 माइनस, तो NO3 माइनस के लिए क्या निकालेंगे, जेड, जेड से जेड निकालते, चलो जेड इज इक्वल टू
हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? एनओ थ्री में नंबर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन थ्री है तो नाइट्रोजन वन है, कितने हो गए? फाइव। प्लस निगेटिव चार्ज कितने हैं? वन। माइनस पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, मोनो एटम कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। फाइव प्लस वन सिक्स बटे टू कितना हो गया? थ्री। थ्री का मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया? एसपी टू हो गया। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? एसपी टू। उसके बाद एनओ थ्री का स्ट्रक्चर देखो, एनओ थ्री इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने निकालना है, राइट? बराबर ना, एनओ थ्री ओ ओ और क्या ओ, या इसका स्ट्रक्चर में Q निकाल के देखो, Q इज इक्वल कितना हो रहा है? 5, 6 प्लस 3, 6 जा 18, 18 प्लस 6, 24 हो रहा है, राइट? 24, यानी कि बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 6, यानी कि लोन पेयर आ गया कि लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं? 18, 18 लोन पेयर, यानी 18 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन नाइट्रोजन कैसा है? 18 हो गया ना, 18 पूरा हो गया ना, 18 पूरे हो गए। नाइट्रोजन तो ट्राइवेलेंट कंप्लीट करता है, चलेगा। और मैक्सिमम भी लोन पे रहेगा तो वो 4 कर सकता है, बाकी सबके लिए 3 चलेगा, मतलब 3 हो गया। और क्या पूछा क्वेश्चन? बॉन्ड पेयर और क्या लोन पे? बॉन्ड पे कितने हो गए? 3 हो गए। लोन पेयर कितने होने चाहिए? नहीं 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 कुछ तो गड़बड़े, माइनस भी चार्ज है ना वहाँ पे, हाँ ये बराबर है। ट्राई करेगा यहाँ पे बॉन्ड, 4 बॉन्ड भी यहाँ पे, 4 बॉन्ड भी वो कर सकता है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड कितने यहाँ पे 4 हो गए, 4 बॉन्ड आ गए, 1, 2, 3, 4, राइट? यहाँ पे भी ऑप्शन दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है, राइट? कितने हो गए यहाँ पे? 18 इलेक्ट्रॉन, 18 आपने दिया, लेकिन नाइट्रोजन जो है एक्चुअली नाइट्रोजन का वैलेंस 5 है, लेकिन बॉन्ड कितना बनाता है वो, मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है वो? 4। 4 पे वो क्या है? ज्यादा स्टेबल है, 3 से ज्यादा क्या, 4 पे स्टेबल है। 3 होगा तो उसके ऊपर क्या चाहिए? लोन पेयर चाहिए। लोन पेयर आपको नहीं मिल रही यहाँ पे, तो क्या करेगा वो? बॉन्ड बनाएगा, इसलिए बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। बॉन्ड कितने हो गए आपके? 4। तो लोन पेयर कितने आ गए इसके? 0। देखो नाइट्रोजन के लिए क्या है, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट है वो, 5 इसकी वैलेंसी है, लेकिन बॉन्ड कितना बनाता है वो? 3। लोन पेयर होगा तो 3, और लोन पेयर नहीं होगा तो बॉन्ड कितना बनाएगा वो? 4 बनाएगा। ये तीनों में से कोई भी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, कोई भी एक, मतलब रेजोनेंस कितने बनेंगे इसके? 3 रेजोनेंस बनेंगे, कितने? 3। हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे क्या होना चाहिए? 2 लोन पेयर, ऐसे जिनके पास लोन पेयर कितने हैं? 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, राइट? बढ़ेगा हर एक का क्या चाहिए स्ट्रक्चर? I3 प्लस आयोडीन, 3-3 आयोडीन है। I3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? बराबर ना, 3 आयोडीन है। आयोडीन का क्यू निकालो, उसमें से बॉन्ड पेयर करो, लोन पेयर निकालो, प्लस आ रहा है, प्लस चार्ज किस पे हो जाएगा? सेंटर पे जो है, तीनों है, तीनों में से कोई भी सेंटर हो सकता है, राइट? HCF2 देखो, देखो इसके इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे, देखो ना, चेक करो ना, 7, 7, 7 कितना हो गया? 21। माइनस 1 करो कितना आ गया? 20। बराबर ना, प्लस है ना चार्ज, चार्ज प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस 1 होगा, प्लस 1 चार्ज है, माइनस करेंगे, 21 माइनस 1 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आयोडीन कितना है यहाँ पे? 2। हाँ बॉन्ड पेयर भी 6 है, बॉन्ड पेयर माइनस 6 कितना हो गया? माइनस 6 इज इक्वल टू 14। 14 इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास, राइट?
इलेक्ट्रॉन आपको देना है पहले कॉर्नर को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर ना, ऑक्टेट पूरा हो गया यहाँ पे, 4 6 6 12 13 14 कम हो रहा है, राइट, टू लोन पेयर ऑन सेंटर, तो इस पे लोन पेयर नहीं है, सेंटर पे लोन पेयर नहीं आ रहा ना, तो ये भी बॉन्ड भी बनाएंगे, यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे तो भी नहीं होगा बराबर, तो इसके ऊपर नहीं है। एक्स ई एफ टू देखो, एक्स ई एफ टू एफ फोर है ना, एफ फोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, और साइड वाले कितने 7 वाले, 7 फोर 28, 28 और 8 कितना हो गया 36, माइनस कितना हो गया 8, कितना आ गया 28, 28 में से इलेक्ट्रॉन दो अभी 28, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 6 जाएंगे सबके पास, कितने बच रहे हैं 4 बच रहे हैं, 1 2 3 4, 2 लोन पे दिख रहे, इसके पास क्या है 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास NH2 माइनस है, NH2 माइनस वाला है, NH3 नहीं है, NH3 के पास कितना पेयर है 1 पेयर है, तो NH2 माइनस देखो कितना है, NH नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन का 5 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 8 का हाफ सॉरी 8 माइनस बॉन्ड कितने हो गए 2, राइट ना, N HH 8 माइनस कितना हो गया 4, कितना बचता है 4, राइट ना, द 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे देखो, ऐड इसने दोनों ने अपना क्या किया कंप्लीट कर दिया, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं कहां पे जाएंगे, इसके पास कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर, ये भी आएगा, वैसे H2S का देखो, H2S यस यहां पे HH कितने हो गए, एस के 6 प्लस 2 8, 8 में से माइनस कितना हो गया 4 बचे, आगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर आएंगे इसके ऊपर भी, ये भी है, और H2S में अभी स्ट्रक्चर डॉक किया था वहां पे भी थे ना, नहीं थे वहां पे डबल बॉन्डिंग है, राइट, ये भी नहीं है, यानी कि जिसके बाद लोन पेयर होगा कितना सी डी ई और क्या यफ, NF3 चेक करो, NF3 है ना, ये भी NF3 7 3 21 21 प्लस 5 कितना हो गया 26 माइनस 3 है ना 6 26 माइनस 6 20 हो गया, राइट, 20 में से 6 80 इसके पास क्या 1 लोन पेयर आएगा, देखो कितना 1 लोन पेयर, कितना आना चाहिए 1 लोन पेयर आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा, आपके पास कितना चाहिए हमें 2 चाहिए, 2 वाले कौन कौन है सी डी ई और क्या यो? ये जो कैलकुलेशन आपको क्या करना है पूरा माइंड में करना है पूरा, ऐसे एग्जांपल के लिए, ये कब होगा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, एक दो एग्जांपल आपका समझ में, बाकी सबको आपको प्रैक्टिस मतलब आप खुद प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस और उतने लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इससे भी ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो भी आना चाहिए, तो उसके लिए पहले ये आपको जितना कैलकुलेशन हो रहा है कैलकुलेशन का पार्ट जो जितना भी आपको दिया है बॉन्ड ऑर्डर सॉरी क्यू निकालने के लिए बॉन्ड पेयर निकालने के लिए लोन पेयर निकालना है जेड निकालना है उसका तुरंत हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा शेप क्या होगा तुरंत ये माइंड में आपको क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए तो आप ए लेवल के क्वेश्चन विद इन 1 मिनट विद इन 20 सेकंड सॉल्व कर सकते हो आपके पास यहाँ पे 30 मिनट टाइम दिया लेकिन 20 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना होगा 20 मिनट ही होगा हर एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व होना चाहिए तो ये कैलकुलेशन कुछ एग्जाम्पल ऐसा H2O का एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस बहुत किया आपने तो उसके 2 लोन पेयर आपको मालूम ही है तो तुरंत टिक करो NH2 NH3 का कितना आता है 1 आता है लेकिन NH2 माइनस का कितना आ रहा है 2 आ रहा है आपको अभी पता चला तो नेक्स्ट टाइम ये एग्जांपल आया स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत है आपको क्या नहीं है H2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपने पता है आपको वहां पे लोन पेयर है ही नहीं है तो डायरेक्टली कट कर दो उसको समझे पहला बॉन्ड जो किसका NaCl का यहाँ पे NaCl बन गया यहाँ पे क्या है Mg क्या बनेगा F2 बनेगा यहाँ पे Li F बनेगा यहाँ पे Na F बनने वाला है यहाँ पे 2 क्यों लिखा क्योंकि मैग्नीशियम वैलेंसी 2 है इसकी वैलेंसी कितनी 1 है यहाँ पे दोनों की वैलेंसी 1 1 1 1 1 1
ओके ये क्लियर है तो आपको फॉर्मूला पर फॉर्मूला में देखो यहाँ पे सब सीएल है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, तीनों में एफ है, इसको साइड रखो, तीनों में क्या है एफ, इसमें एफ एफ एफ, यहाँ पे एम जी कौन है, एम जी टू प्लस है, यहाँ पे क्या है एल आई प्लस है, यहाँ पे एन ए क्या है प्लस है। पजंग क्या बोल रहा है कैटाइन के लिए, इसका साइज छोटा, उसके कोरोन कैरेक्टर, इसमें साइज किसका सबसे छोटा रहेगा, इसके पास कोरोन कैरेक्टर क्या होंगे सबसे ज्यादा। अब दोनों का कंपेरिजन, आपको क्या चाहिए मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, मतलब कोरोन कैरेक्टर सबसे क्या होना चाहिए उसके कम होने चाहिए। ये तो हट गया ना, ये तो एग्जाम्पल ही हट गया यहां से, बचे अभी तीन, एन ए प्लस है, एम जी टू प्लस, एन ए सी एल है, एम जी टू प्लस है, एन ए प्लस है, यहां पे एन ए प्लस है, चलो एन ए प्लस, एम जी टू प्लस जिसका चार ज्यादा उसका कोवर्ण कैरेक्टर ज्यादा, ओके तो एन ए प्लस ये भी गया, बचे दो एन ए सी एल हो गया, एन ए एफ, दोनों में कंपेयर कर, दोनों में एन ए एन ए है, उनका क्या देखना है एन एन, देखो एन एन जितना बड़ा उतना कोवर्ण कैरेक्टर ज्यादा, एन एन जितना बड़ा उतना कोवर्ण कैरेक्टर ज्यादा, तो एफ और सी एल में बड़ा कौन है सी एल, शेयर बड़ा है, कोरोन कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब आयनिक कैरेक्टर कम है, तो क्या होना चाहिए स्टेबल किसके पास होना चाहिए, ओके समझा। नेक्स्ट द वीकेस्ट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज, वीकेस्ट सबसे वीक बॉन्ड, आयनी कोवेलेंट मेटलिक एच बॉन्ड, तो स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के साथ बाकी बॉन्ड, बाकी जो बॉन्डिंग है वो जैसा कि वेंडर वॉल होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला बॉन्ड में देखेंगे, वो चेक करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन क्या आता है सबसे ज्यादा, लेकिन इनके साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे कम कौन रहता है हाइड्रोजन, कोवेलेंट आयनिक और मेटलिक इनके कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन क्या होता है सबसे कम, मेटलिक तो स्ट्रॉन्ग हो गई, कोवेलेंट उससे भी स्ट्रॉन्गर है, और उससे स्ट्रॉन्गर क्या आयनिक है। नेक्स्ट फाइंड द लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री शेप ऑफ HCOF2, इनका सब कुछ निकालना है, सबको निकालने के लिए जेड निकालना है, जेड के लिए फॉर्मूला क्या है चलो जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेंटर कौन है, सेंटर कौन है एक्सी, एक्सी के कितने होते हैं एट, एट हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिख रहा है, मोनो आइटम टू देख रहे दो, उसका हाफ हो गया फाइव आ गया आंसर, फाइव इसका फाइव है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है परदेशी, कौन कर रहा है किटकिट, पेन का आवाज कौन कर रहा है, इसका फाइव है, इसका क्या होता है sp3 d, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री क्या होती है उसकी ट्रायगोनल बायपिरामिडल, राइट यही है, ओके और शेप, शेप के देखो एक सी है, ओ कितने हैं दो, ओ एक ही है, यफ 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 ओ एक या, ये लोन पे आएंगे यहाँ पे, लोन पे के हटा दो, बाकी बचा हुआ शेप कैसा दिख रहा है, घुमा दो उसको टी बन जाएगा, समझा। और क्या चाहिए आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने हैं
बॉन्ड पेयर कितने हैं, थ्री, टोटल फाइव है, फाइव में डिवाइड हो गया, थ्री टू टू, टू लोन पेयर, थ्री बॉन्ड पेयर, ओके। Which of following is a statement is not correct? Not correct बोला। Double bond is a shorter than single bond. Yes, is right. Double bond कब बनता है? Double bond कब बनता है? पहला sigma bond होने के बाद pi bond बनता है। Double bond इसका मतलब एक sigma है और एक क्या pi? Sigma और pi बना के वापस stronger बनाएंगे ना? क्या weaker बनाएंगे? Stronger ही बनाएंगे। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कंपेयर करेंगे, डबल बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर, मतलब फर्स्ट और स्टेटमेंट क्या है, राइट है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, रॉन्ग है ये, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, यस वही तो हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, यस ये भी सही है, मतलब इनकरेक्ट कौन है। अमंग द फॉलोइंग व्हिच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी भी डिपेंड्स के ऊपर है, कोवेलेंट कैरेटर के ऊपर डिपेंड्स है, राइट। इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, उसका एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, के एफ, एन एफ, सी एस एफ, आरबीएफ, सबके सब आपको क्या दिख रहे, एफ 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 दिख रहे, सब फ्लोरीन है, मतलब एनायन सेम है, एनायन सेम, मतलब कंपैरिजन किसका होगा, कैटायन का, कैटायन सबके सब कैटायन कौन से है, फर्स्ट ग्रुप के दिख रहे, सब कैटायन फर्स्ट ग्रुप के है, पहला कौन है, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम पोटेशियम सीसीएम ना, रुबिडियम और क्या सीसीएम, बराबर बराबर क्या, देखो सबसे साइज में कम ये है, सबसे साइज में कम ये है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका साइज सबसे कम उसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, मतलब एनए वाले के पास सबसे ज्यादा, सीएस वाले के पास सबसे कम, सबसे कम इसके पास क्या है, सीसी कम है, इसका मतलब आयनिक ज्यादा है, आयनिक मोर है, आयनिक मोर मतलब लैटिस एनर्जी क्या हो गया, लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, मोर, तो लैटिस एनर्जी मोर किसके पास होगी, सीएस एफ, among LiCl, BeCl2, BeCl3, CCl4, the covalent bond character follow the order, हो गया, सबके पास सब Cl दिख रहे आपको, कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सबके सब सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज, साइज डिक्रीज मतलब covalent character इंक्रीज, अभी हो गया, हा? क्या बोला है, मेटलिक बॉन्ड विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटलिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड के लिए जो अप्लाई नहीं है, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे उसके पास, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, राइट, और ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल, इसके लिए मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, उसमें नहीं रहेगा, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड, क्वेश्चन बराबर, देखो चेक करो पेपर में क्या है, सॉलिड स्टेट में है ना ये,